पंछी कब पंछी को कम उड़ने से रोक दिया जाता है? कैसे रोक सकते हैं पंछी को उड़ने से? पर काटकर पंछी को उड़ने से रोका जा सकता है। इसे ही बच्चों के उड़ने से रोकने के लिए उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनके ऊपर हमला होता है। और जब उन बच्चों के ऊपर हमला होता है तो बच्चे उड़ पाते नहीं उड़ पाते। क्या नाम है आपका? तो बच्चे अपनी उड़ान उड़ सके उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यक्रम शुरू किया। कब से शुरू किया? 1982 से। उस कार्यक्रम और कब मनाया जाता है? 4 जून 2019 को हर साल। और उसका नाम है उस कार्यक्रम का, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसे हिंदी में हम आपको बताएंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा? मैं आ रहा हूँ आपके पास। कोई पढ़ के बताएगा? कौन बताएगा पढ़ के क्या लिखा हुआ है? यस, और कौन बताएगा? और कौन बताएगा क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ऋतिक, वेयर इज ऋतिक? ऋतिक, यस ऋतिक, इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो बच्चों, ये ऋतिक को धन्यवाद। ऋतिक, आपने हमें बताया कि ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसका मतलब है इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। अब इसका कोई हिंदी में मतलब बताएगा क्या? बताएगा क्या? नहीं बताएगा, हम बताएगा। आप जानेगा क्या? ठीक है, हम बताता है। इसका मतलब है मासूम बच्चों के ऊपर आक्रमण, मासूम बच्चों के ऊपर आक्रमण। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है? अंतर्राष्ट्रीय। और डे का मतलब तो जानते ही हो, दिन। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। और चाइल्ड विक्टिम्स, चाइल्ड मतलब बच्चे, और विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन अर्थात आक्रमण से पीड़ित। विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण से पीड़ित। ये जो एग्रेशन शब्द है, ये जो अंग्रेजी में यहां एग्रेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है आक्रमण। क्या मतलब होता है? अच्छा, आक्रमण को बहुत आसान शब्दों में कौन बताएगा? आक्रमण का क्या मतलब होता है? हमला। हाँ हाँ बिल्कुल, किस पहुंच जा रहे? अरे उत्कर्ष, हाँ यार आप जाओगे तो हम सुने हो जाएंगे। आप प्लीज उत्कर्ष, पहले तो आपको इधर आना पड़ेगा मेरे पास। उत्कर्ष से जा नहीं सकता, उसको 2 सेकंड मुझे देना पड़ेगा। आप सर